हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टेलीवुड अपडेट्स। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं बिग बॉस सीजन 17 के बारे में। इस बार का सीजन इस तरह का है कि कुछ ज़्यादा स्टेबल नहीं रही है टीआरपी। किसी हफ्ते काफ़ी बढ़िया भी आ जाती थी और किसी हफ्ते काफ़ी लो आती है, यानी कि ऐसी उतार चढ़ाव देखने को मिलते रहते हैं। तो इस सीरियल को, इस बार के सीज़न को हम सुपरहिट तो नहीं कह सकते जैसे कि पिछला सीज़न था, उसने सारा सीज़न कंसिस्टेंटली बढ़िया टीआरपी लेकर आया था। तो फिर भी मेकर्स ट्राई करते रहते हैं नए नए ट्विस्ट और नई नई एंट्रीज़ के साथ कि किसी तरह शो की टीआरपी बढ़ पाए। तो अब बात आती है जहाँ पर एलिमिनेशन की, एविक्शन की। तो इस हफ्ते जो एविक्शन होने वाली थी उनमें ये सारे लोग नॉमिनेटेड थे। पहले तो हस्बैंड और वाइफ की जोड़ी नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा, उसके बाद UK07 राइडर यानी कि अनुराग और अंकिता लोखंडे। तो गाइस ये चार लोग हैं, चार कंटेस्टेंट्स हैं जो कि इस बार नॉमिनेट हुए थे इस घर से एविक्ट होने के लिए। और अब हम बात करें कि इनमें से कौन एविक्ट हुआ है। तो गाइस इस घर की, इस शो की रीसेंट वाली कैप्टन और करंट कैप्टन ईशा मालविया हैं। तो उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दी गई, उनसे ये पूछा गया कि जो भी नॉमिनेटेड सदस्य हैं इनमें से सबसे कम कंट्रीब्यूशन किसकी रही है और उसी को एविक्ट कर दिया जाएगा। तो गाइस ईशा ने नाम लिया है ऐश्वर्या शर्मा का, और ऐश्वर्या शर्मा इसी के कारण ईशा मालविया कैप्टन के डिसीजन के तौर पर इस शो से आउट हो गई हैं, यानी कि ऐश्वर्या शर्मा एविक्ट हो चुकी हैं इस बार की एविक्शन में। डेफिनेटली शॉकिंग रहेगा ऐश्वर्या शर्मा के फैंस के लिए एंड ऑल्सो नील भट्ट के फैंस के लिए भी, और जो गुम है किसी के पैर में की जो फैन बेस है बिग बॉस में जिन्होंने ट्यून इन करा था उनके लिए भी। बिकॉज सब यही सोच रहे थे ऐश्वर्या शर्मा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट रहेंगी, एंड तक जाएंगी, जैसे कि खतरों के खिलाड़ी में भी उनका काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही थी। लेकिन वैसी परफॉर्मेंस हमें बिग बॉस में अनफॉर्चुनेटली उस लेवल की नहीं देखने को मिली और एंड तक ये नहीं जा पाई हैं, और इवन नील भट्ट से पहले बाहर आ गई हैं, जो कि डेफिनेटली अनएक्सपेक्टेड रहा है। बट एट द सेम टाइम ये कम वोट्स करके बाहर नहीं आई हैं, ये ईशा मालविया के डिसीजन के कारण बाहर आई हैं कि इनका सीरियल में कंट्रीब्यूशन लेस था। आप इसके साथ एग्री करते हैं या फिर नहीं कि इनका कंट्रीब्यूशन लेस था या फिर सही था, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। लेकिन अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ तो मेरे हिसाब से जो अनुराग है और ऑल्सो नील भट्ट हैं उन दोनों का कंट्रीब्यूशन इनसे थोड़ा सा कम है। बट हाँ, वैसे चारों इस बार जो नॉमिनेटेड सदस्य रहे उनके कंट्रीब्यूशन है शो में, ऐसा नहीं कि कोई बिल्कुल इनएक्टिव वाला हो गया हो। तो कमेंट्स में जरूर बताइए ऐश्वर्या को इस शो में मिस करेंगे या फिर नहीं। और सारी अपकमिंग BB17 अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आप कुछ अपडेट मिस ना करें। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।